अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद पैशन में आज हम लोग बहुत ही सिंपल, आसान और सबके पसंदीदा चिकन स्प्रिंग रोल बनाएंगे। और मैं आज की वीडियो में आप लोगों को तीन तरह से रोल की फोल्डिंग सिखाऊंगी। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि उनके रोल क्रिस्पी नहीं रहते, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। विदाउट स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल, आप लोग कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। गाजर आधा कप बारीक कटी हुई। यहाँ पे एक बात शेयर करूँगी कि आप लोग सबसे पहले गाजर डालें, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड सब्ज़ी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और आपने कभी भी पहले चिकन नहीं डालना, क्योंकि चिकन हम लोग बॉयल यूज़ कर रहे हैं, बॉयल किया हुआ है और श्रेड किया हुआ है। जैसे ही आप उसको ऑयल में डालेंगे वो जल्दी से ही पक जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। उस टाइम बेशक आपको ना लगे, लेकिन बाद में वो हार्ड हो सकती है। तो आप लोग इस टिप को फॉलो करके देखें, आप लोगों को ज़रूर फ़र्क पता चलेगा। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं पकाना इसको, थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे मीडियम हीट पे और फिर साथ ही बाकी वेजिटेबल्स ऐड करते जाएंगे। आधा कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, किसी भी कलर की यूज़ की जा सकती है। बंद गोभी एक कप बारीक कटी हुई। बस इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको, हम लोग चम्मच हिलाते जाएंगे और मीडियम हीट पर कुक करेंगे। चिकन एक कप बोनलेस है और बॉइल्ड किया हुआ है। आधी चाय का चम्मच काली मिर्चें या अपने जायके के मुताबिक, आधी चाय का चम्मच नमक या जायके के मुताबिक, आधी चाय का चम्मच सोया सॉस, एक खाने का चम्मच सिरका। बस अब इन सब चीज़ों को हम लोग मीडियम हीट पे पकाएंगे, इसको लो हीट पे नहीं पकाना, मीडियम हीट पे पकाएंगे। चम्मच को हिलाते जाएंगे और तब तक पकाना जब तक के पानी ड्राई ना हो जाए, और बहुत जल्द पक जाएगा ये। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इस पॉइंट पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि कम है आप लोग उसको और डाल सकते हैं। बाइंडिंग के लिए पेस्ट रेडी करेंगे। एक खाने का चम्मच मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना लेंगे। आपको जितना पेस्ट रेडी करना है आप कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल शीट लेंगे, और मैं आप लोगों को तीन तरह से फोल्डिंग सिखा रही हूँ। आप लोग वीडियो को गौर से देखें कि मैं किस तरह से फोल्डिंग करती हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने चिकन स्पेगेटी स्प्रिंग रोल की रेसिपी दी थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के रोल बनते हैं और बहुत ही आसान है। मैंने आप लोगों को तीन तरह से रोल की फोल्डिंग सिखाई है। रोल बहुत ज़्यादा तरीक़ों से फोल्ड किए जाते हैं, और आप लोग इसको किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में एक महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे टिप शेयर करूँगी, कुछ लोग कहते हैं कि उन लोगों के रोल क्रिस्पी नहीं रहते,
तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको मीडियम लो हीट पे फ्राई करना है, लो हीट पे नहीं करना, हाई हीट पे नहीं करना, मीडियम लो पे करेंगे। उसकी वजह यह है कि हाई हीट पे वो जल जाएंगे और लो हीट पे सिर्फ बाहर से पकेंगे, अंदर से कुक नहीं होंगे, तो हमेशा मीडियम लो पे करना है। उसकी सेकंड वजह ये हो सकती है कि आप लोग रोल को निकाल के किसी टिश्यू पेपर पे और किसी पेपर पे नहीं रखेंगे, उसको किसी स्ट्रेनर में निकालेंगे, किसी भी जाली वाले बर्तन में आप निकाल सकते हैं, इवन के जिसमें हम चावलों का पानी ड्रेन करते हैं आप उसमें भी उसको रख सकते हैं। कुछ देर के लिए रखें, उसका सब ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि रोल ऑयली है तो फिर आप क्या करेंगे, टिश्यू पेपर से उसको क्लीन करेंगे और प्लेट में रख देंगे, लेकिन प्लेट में कोई भी टिश्यू या कोई भी पेपर नहीं रखेंगे। हम लोग जब भी बाजार से कोई फ्राई चीज लेते हैं, पकौड़े, समोसे या रोल, कोई भी फ्राई चीज, तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो टिश्यू पे या फिर किसी पेपर के ऊपर चीज को निकालते हैं, वो हमेशा जाली वाले बर्तन में निकालते हैं और एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। तो कभी भी आपने किसी टिश्यू पेपर को नहीं यूज करना, तो इंशाल्लाह आप लोगों के रोल जो है वो क्रिस्पी रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग मेरी टिप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोगों के रोल बहुत अच्छे बनेंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑलवेज रिमेंबर, होममेड इज़ द बेस्ट। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।